पुलवामा पहुंच गए हम लोग, पुलवामा अटैक जो हुआ था उस रूट पे आ गए हमने, हर 100 मीटर में आर्मी वाले। भाई ये तो मैंने भी नहीं देखा है ऐसा कश्मीर। भाई साहब क्या व्यू है, व्यू भाई क्या व्यू है भाई, जाइजेंटिक एकदम। अमरनाथ के लिए पूरे टेंट ही टेंट है, पूरे टेंट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। दिस इज डे 3 ओवर लखनऊ लद्दाख 2024 सीरीज। हम लोग इस बार उमिंगला पास सबमिट करने का सोच रहे, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो पाता है कि नहीं हुंडई ईयोन से। कल का आप लोगों ने सीन देखा ही, हम लोग श्रीनगर पहुंचने ही वाले थे, बनिहाल टनल आती है उससे पहले 100 किलोमीटर पहले, तो हम लोग को अलाउ नहीं किया क्योंकि वो 4 बजे तक खुलती है। तो ध्यान रखिएगा, 4 बजे के बाद एकदम एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। तो फिर हम लोग बनिहाल आ गए, बनिहाल में हमने सेमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लास्ट व्लॉग में आपको सब दिखा होगा कितना रेट है, 1120 है उसका, एक और है सेमी गवर्नमेंट 1680 है उसका। तो ये दोनों रेट है, आप लोग रुक सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, बड़े रूम है, क्योंकि बाकी सब लोग रेट बढ़ा देते हैं अंधाधुंध, क्योंकि सबको पता होता है कि टनल में जाने नहीं दिया होगा तभी आए हैं, तो मजबूरी है इनकी, तो वो सीन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी चलते हैं फटाफट, टनल क्रॉस करते हैं, खुल गई होगी, 4 बज गए। गुड बाय। खोल दिया अभिषेक, वहाँ फोन में तो कुछ नहीं है ना, ये है प्रॉपर्टी, दिखाई दी थी आप लोग को, 4 बज रहा है, ये है अपनी कार, यही करेगी समिट उमिंगला पास। लेट्स सी, वो रही मार्केट की सड़क, पार्किंग भी अच्छी है पूरी, काफ़ी पार्किंग एरिया है। तो ये है होटल मैपल, इस यही नाम है इसका, ये सेमी गवर्नमेंट है। इधर समीर भी है, ये केयर टेकर, ये रहते हैं भैया, तो ये आपकी हेल्प कर देंगे, समीर नाम से आप पूछ के आ सकते हैं। और उस होटल का नाम याद है सिंह, कौन सा है जो हम पहले गए थे, दूसरा सेमी गवर्नमेंट था, डी से था कुछ, उस वाले का क्या नाम है, अल्पाइन होटल, अल्पाइन। चलिए गाइस निकलते हैं, 4 बज रहे। ओके बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अभी वापसी में अगर आते हैं तो। राइट चलना है, सीधा चलना है। फाइनली निकल गए हैं, 4:15 हो रहा है, और नीचे का व्यू देखिए आप लोग, उधर वो है टोल रोड भाई जो हम छोड़ के आए हैं। ₹300 टोल है, 350, तो वही हम लोग बचा रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड कर रहे हैं, पता था क्योंकि कल हम लोग इसी रूट पे आ गए थे, तो वही कर रहे हैं, पहुंचते हैं टनल में फटाफट। खुल गई हो बस है सिंह, खुल गई होगी 5 बजे सुबह का, चलो देखते हैं, आ गई टनल। सड़क बन रही है गाइस, हटवा दीजिए भैया, हटवा दीजिए गाइस, जिसकी वजह से हम पहुंच नहीं पाए श्रीनगर, फिर आ गए टनल में, अब देखते हैं आगे क्या है, फिर लौटा देंगे कि एंट्री मिल जाएगी, अब खुल गया होगा मेरे ख्याल से ना, तक जाते दिख तो रहे हैं। और गाइस टोल भी बचा लिया, ओनली 375 रुपीज का टोल था, वो महंगा था भे। और ये टनल है पनिहाल टनल, 8.75 किलोमीटर की, और यहीं से अमरनाथ के भी काफ़ी यात्री रुके हुए हैं, क्योंकि आगे बातल से और क्या है, बातल और पहलगांव, दो जगहों से अमरनाथ की यात्रा चलती है ना। कोई भी नहीं है, 3 बजे निकल सकते थे गाइस हम लोग। ओ भाई टनल क्रॉस कर ली, जद्दोजहद। क्या गाइस सनराइज हो रहा है, क्या व्यू है यार, मजा आ गया। अम्मा पूछ दी सुनती मेरी ये, तो बड़ी इतनी तो किया कारी हुई हो। क्या अच्छा मजा, अबे बहुत मजा, ये व्यूज अच्छे लगते हैं भाई। पूरा पैनोरमिक दिख रहे हैं जो पोखरा में गाइस, इंजन लाइट आने लगी थी वापसी में ट्रिप के, वो इंजन लाइट फिर से शो हो रही है,
मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक इशू है क्योंकि इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, तो पता नहीं क्या है। अब अंकल से एक बार पूछ लेंगे, है ना, उनसे एक बार बोल देना कि सर्विस सेंटर कॉल करके पूछें कि क्या सीन है, ये इलेक्ट्रिक इशू है तो हम यहाँ ECU मशीन लगवा के 5-10 मिनट में सही करा लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है इतना। बाकी सड़कें देखिए कितनी चौड़ी हो गई हैं, अब इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जो होगा हम लोग उसके लिए रेडी रहते ही हैं। सड़क देखो भाई कितनी चौड़ी है भाई, एक्सप्रेस वे जितनी है भाई पूरी, है ना, देखिए गाइस क्या गजब के हैं यार, मजा आ गया। 5:30 हो रहा है भाई, एकदम खतरनाक हाईवे, खतरनाक वाला अच्छा हाईवे है, मतलब आप 100, 150, 200, 300 जितनी चला सकते हो चला लो। और दूसरी बात, पुलवामा पहुंच गए अब हम लोग। पुलवामा आप लोग याद कर सकते हो, पुलवामा अटैक जो हुआ था उस रूट पे आ गए हम लोग। पुलवामा ही रीजन चल रहा है पूरा, और राइट साइड लेफ्ट साइड खेत हैं, पहाड़ हैं, दूर दूर है अभी, बट लेफ्ट साइड देखिए क्या खेत है। आर्मी गाइस, श्रीनगर कैंटोनमेंट में आ गए हम लोग, पहुंच गए फाइनली श्रीनगर। थोड़ा सा कट गया, तो देखिए आर्मी आर्मी पूरी रास्ते में आपको आर्मी आर्मी दिखेगी, हर 100 मीटर में आर्मी वाले, सब आर्मी आर्मी है यहाँ पे। श्रीनगर की गलियाँ, श्रीनगर की गलियों में घूम रहे अभिषेक, चारों तरफ हम घूम लिए, मार्केट हुआ है, डल लेक नहीं है देख पाया अभी तक हम लोग, ने दूसरी लेक देखी ना, हाँ, बाबा डैम लेक, हाँ। छोटी सी थी, शूट नहीं किया कोई खास, दिखा देंगे आप। इस गलियों में घुस गए हैं इस मार्केट में, सुबह तो आप भूल जाइए जब खुलती है मार्केट भाई, ये तो मैंने भी नहीं देखा है ऐसा कश्मीर। बिस्मिल्लाह लेक कुछ थी, बिस्मिल्लाह शॉप करके वीडियो बनी क्यों होगी, उन लोगों को हम लोग तो सामने फोकस कर रहे हैं फैब्रिक्स, हाँ मार्केट से जा रहे हैं हम लोग, घर देखो वे कैसे बने हुए, पुराने पुराने कुछ नए भी आ गए, साइड में देखो कितने बढ़िया घर लग रहे हैं, सामने ये घर है ना, मस्जिद लग रहा है, मस्जिद है भाई, स्कूल लगे हुए थे ना, अरे भाई वो स्पीकर्स लगे हुए थे ना घर में, कौन लगाएगा इतने बड़े बड़े स्पीकर्स यार। दिखाता हूँ आप लोगों को, दो इन लोगों को दिखा दिया जाए, ये देखिए गाइस गजब फ्लो है भाई, फोन देख लेना नीचे ना गिरा देना। ये सिंध नदी है, सिंध नदी पाकिस्तान से आती है ये ना, हाँ पाकिस्तान साइड से आती है सिंध, भाई साहब क्या व्यू है, बज रहा है 7:23, 7:30 हो गया है, सोनमार्ग बचा है अराउंड 25-26 किलोमीटर,
और उसके आगे फिर जोजिला पास आएगा, जो इस रूट में सिर्फ एक ही पास आता है जोजिला पास, वो करना है, वो थोड़ा सा टफ है, उसके आगे तो फिर मज़े ही मज़े। तो MP बस वही करना है। अब गाड़ियाँ एक साइड रोक ली हैं, एक साइड की भेज रहे हैं, तो ये सब अमरनाथ से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, ज़्यादा अमरनाथ वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा बादल से शुरू होती है और पहलगाँव से। तो अंकल जी क्या कर रहे हैं वहाँ? चलाते बना लेता हूँ, ऐसी ही आवाज है थोड़ी सी। क्या व्यू है सामने के, देखो भाई इतने ऊंचा, उधर बर्फ दिखाई? हाँ बर्फ दिखा दी, दिख रही है वो, ये रही बर्फ पहाड़ों के बीच में, देखो बर्फ। गाइस फ्लो देखिए पानी का कितना तेज है, उफान उफान मार रहा है एकदम भाई, ये देख अभिषेक उस साइड। में चले नहाने हैं तुम्हारे लिए, छोटा सा पॉन्ड बना के रखा है। ये देखिए गाइस नजारे सोनमर्ग के, वो देखिए उतर रहा है अभिषेक। बर्फ होगी, बर्फ तो होती है पहाड़ों पर। चलिए वीडियो वीडियो थोड़ी शूट कर दी, नजारों के मजे ले लिए, क्या व्यू है भाई, जाइगेंटिक एकदम। लास्ट टाइम मैं यहाँ से निकला था रुका नहीं था, आज रुक गया इस बार, गजब। ड्रोन उड़ा नहीं सकते वरना उड़ाते। वापस जोजिला पास पास करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ सड़कें भी बहुत ख़राब रहती हैं, तो चला जाए। ये है सोनमर्ग की मार्केट, ये देखिए। अच्छा लगा वैसे? मस्त है भाई, क्या नज़ारा है। घर देखो सबके, घर के शेप यार एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है सबका। चढ़ाई चालू कर दी है लगभग, एक अभी गेट आएगा आगे जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम का, बट सड़क देखिए कितनी खराब है, एकदम खतरनाक सड़कें आ गई हैं, लद्दाख में एंट्रेंस है। नीचे देखिए पूरा कैंप, यहाँ तो होंगे एकदम भाई भाई भाई, कॉन्वॉय आ गया ना बहुत बड़ा, सब के सब आ ही रहे हैं पीछे 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 पीछे।
नीचे तो भाई टेंट ही टेंट लगे हैं यार, टेंट ही टेंट। सड़कें अब है ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए गाइज, अमरनाथ के लिए पूरे टेंट ही टेंट हैं, पूरे टेंट। कितने टेंट लगे हुए हैं ये देखिए। ये देखिए टेंट ही टेंट बने हुए हैं। और सड़क यार इतनी खराब है, जिससे अभी हम आए हैं दिखाता हूँ। रुकिए ये सड़क, ये देखिए ये वाली सही आए ना सिंह? सही है भाई। चलो फिर, रही अपनी धन्नो और ये रहे पहाड़। टायरों भाई नए ना होते ना तो काम लग जाते हैं टायरों का। यहाँ पे उधर ट्रक आ गया तो क्या करेंगे? देखो पत्थर है भाई इतने मोटे भाई, लड़े ना यार, नीचे हटाएं क्या।